सदर बिलासपुर विकास खंड के तहत सोलधा ग्राम पंचायत में सड़क निर्माण कार्य को लेकर कथित कोताही पाई गई है। इसका खुलासा बीडीओ सदर कुलवंत सिंह द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान हुआ है। बताया जा रहा है कि गुब्बाघाट से लेकर मंझेअड़ी होकर गांव चामली के लिए संपर्क सड़क का निर्माण किया जाना है। करीब 3 लाख के बजट का पंचायत के पास प्रावधान है। निरीक्षण के दौरान बीडीओ कुलवंत सिंह ने दस्तावेजों की भी बारीकी से जांच पड़ताल की, जिसमें कथित कोताही पाई गई है। वहीं अब बीडीओ की ओर से इस गंभीर मसले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। सदर बीडीओ कुलवंत सिंह ने बताया कि वर्तमान पंचायत प्रधान की ओर से इस मसले को लेकर शिकायत की गई थी, जिसके चलते निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि सड़क के लिए सीमेंट के 240 बैग रिसीव किए गए थे, कार्य क्यों नहीं करवाया गया और ज्यादातर सीमेंट के बैग कहां दिए गए, ये जांच का विषय है। वर्तमान में सीमेंट के 70 बैग ही बचे हैं, वहीं ये भी खराब हो चुके हैं। बीडीओ के अनुसार पता चला है कि एक पेयजल टैंक के निर्माण कार्य के लिए पंचायत से सीमेंट बैग दिए जाने थे, लेकिन जो बैग दिए गए वे सभी पत्थर की तरह बन गए थे, जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि इस पंचायत में किए गए तमाम कार्यों की जाँच की जाएगी। यहीं तक था ही, आई थिंक ना, यहाँ तक नीचे से इतना आज हमने जो है जो सोलधा पंचायत है उसका औचक निरीक्षण किया गया और वहाँ पे पाया गया कि जो पंचायत घर के पीछे ही जो है कोई 65 के करीब जो सीमेंट के बैग थे बिल्कुल पत्थर बन चुके थे। और इसमें जब मैंने डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन की तो उसमें पाया गया कि जो सोलधा के जो वहाँ के पूर्व प्रधान थे उनको 240 बैग जो है एक रोड जो है वो बनाने के लिए जो वहाँ पर इशू हुए थे, लेकिन जब मैंने मौके पे भी जाके देखा तो वहाँ पे जो है मौके पे जो है बिल्कुल भी काम नहीं हुआ था। और इसमें जो है अराउंड जो है 30,000 के करीब जो है लेबर के ऊपर खर्चा हुआ था और 71,000 के करीब जो है इसमें मटेरियल के ऊपर खर्चा हो गया था। तो इस विषय में अभी जो है हमने जो है मैं जांच बिठा रहा हूँ और जैसे ही भी इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसमें जो है नियमानुसार जो है कार्रवाई की जाएगी।